झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कहां पर आज कम्युनिटी बाजार में निवेश के मौके हैं और रूपा मेहता की क्या राय रहेगी कम्युनिटी बाजार के ऊपर। रूपा जी, देख रहे हैं कि आज कैसे सीड का जो अप्रैल वायदा है वो 7420 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 7428 का हाई लगा चुका है। रूपा जी, देख रहे हैं कि कैसे सीड का मई वायदा अच्छी खासी तेजी की ओर है, वहीं अप्रैल वायदा 7300 के लेवल्स पर ही अटका हुआ है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या कैसे सीड अभी कुछ समय और ऐसे ही कंसोलिडेशन के साथ ट्रेड करता रहेगा? देखिए, कैस्टर की अगर देखा जाए तो डिमांड तो पिकअप होती हुई दिखाई दी है और तेजी का भी रुझान जो है वो बनता हुआ दिख रहा है और अभी यहाँ से अप्रैल वायदा एक्सपेक्टेड है कि 7700 तक का स्तर देखा सकता है जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं ग्वार गम का अप्रैल वायदा 11300 के ऊपर है, वहीं मई वायदा 11500 के करीब है और ग्वार सीड का अप्रैल वायदा 6100 के ऊपर बना हुआ है और मई वायदा 6200 के ऊपर। रूपा जी, देख रहे हैं ग्वार में बढ़त तो बन रही है लेकिन हल्की हल्की बढ़त बन रही है, धीरे धीरे करके ग्वार का मार्केट अब तेज की ओर जा रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है अब ग्वार गम और ग्वार सीड का फ्यूचर अब आगे क्या रह सकता है? देखिए, फिलहाल ग्वारगम और ग्वार सीड में तेजी का रुझान है, जिस तरीके से कच्चे तेल में तेजी आ रही है और यूएस की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन अभी देखें तो यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर भी डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कीमतें लगातार अभी सस्टेन करती हुई दिखाई दे रही है ऊपरी स्तरों पर और गम जो है वो 12-12.5 हजार तक ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार जा सकता है। वहीं सीड भी 6200 से लेकर 6500 तक की अपसाइड में एक बार रेंज जो है वो दिखा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, डिप पर इसमें भी बाइंग की तरफ रहा जा सकता है और जिनके पास बाइंग है वो अभी इसको होल्ड करके चल सकते हैं जी। ये सर जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हमने जीरे में कुछ खरीदारी बनते हुए देखी है निचले स्तर से। बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी का अप्रैल वायदा भी 8500 के ऊपर है 8300 के बाद और धनिया में भी एक हल्की सी बढ़त बनी है, ज़्यादा नहीं बनी है धनिया में लेकिन हल्की सी बनी है। रूपा जी, देख रहे हैं कि मसालों में नरमी तो आई थी लेकिन ज़्यादा नरमी नहीं आ पाई और निचले स्तर से फिर से बाइंग इनिशिएट हुई, ऐसे में आपको क्या लगता है मसालों में अब आगे कैसा कारोबार रह सकता है? देखिए, मसालों में पॉजिटिव रुझान है और देखा जाए तो मसालों के अंदर धनिया, जीरा काफी क्रॉप डैमेज की खबरें निकल कर आ रही हैं और प्राइजेस अभी डोमेस्टिक मार्केट में हाजिर मंडियों के अंदर अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। अगर सबसे पहले बात करें धनिया की, जो पिछले साल 7000 से 8000 के आसपास था, अब मंडियों के अंदर 12000 के आसपास हमें इसके प्राइजेस देखने को मिल रहे हैं, तो काफी पॉजिटिव है रुझान अभी भी। इनफैक्ट हम देखें वायदा के अंदर भी 10000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो तेजी का रुझान है और 12000 एक्सपेक्टेड है कि ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के धनिया की प्राइसेस ऑलरेडी काफी ऊपर देखने को मिल रहे हैं, तो धनिया में यहाँ से तेजी की तरफ है मार्केट और 12000 का स्तर एक्सपेक्टेड है, देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें जीरे की, तो जीरे का भी प्रोडक्शन काफी कम रहा है इस बार और काफी क्रॉप डैमेज की भी खबरें हैं और जीरे में भी लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 22 से 22.5 हजार का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखने को मिल सकता है, वो अभी भी मार्केट में बना हुआ है और अप्रैल वायदा में एक्सपेक्टेड है कि 22-22.5 तक मार्केट जा सकता है। वहीं अगर बात करें हल्दी की, हल्दी के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है क्योंकि अराइवल प्रेशर भी है और दूसरा हल्दी की अगर बात करें तो यहाँ पर डिमांड काफी गिरी है, एक्सपोर्ट डिमांड कम हुई है जिसकी वजह से कीमतें जो है वो नीचे लुढ़क चुकी है और अब यहाँ पर हल्दी भी सपोर्ट ले सकती है 8000 के आसपास, 8000 से लेकर ऊपर में 9900-9800 तक का प्राइस अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, हल्दी में करेक्शन पर खरीदारी करनी चाहिए और मुझे लगता है धनिया और जीरा तो करंट लेवल्स पर भी बाय करके चला जा सकता है जी। ये से रूपा जी, बात करें अगर आप कॉटन की, तो M6 कॉटन देख रहे हैं आज भी 40000 के ऊपर ही है, आपको क्या लगता है क्या अभी निवेशकों को यहाँ से मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए या फिर अभी और अच्छी तेजी के लिए बने रहना चाहिए इस खरीदारी में? तो देखिए, अभी तेजी मार्केट पकड़ रहा है लेकिन मुनाफा भी वसूल करते रहना चाहिए क्योंकि कम मार्केट में करेक्शन आ जाए। अभी जो देखने को मिल रहा है, हमें देखा है कि यूएस के अंदर भी कॉटन ने काफी क्रिटिकल अपना उसका एक सपोर्ट लेवल था उसको भी ब्रेक कर दिया है 80000 पर कैंडी का
और अब एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो 85,000 पर कैंडी तक ऊपर जा सकती है। और अभी जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है फंडामेंटली कॉटन की जो है प्रोडक्शन काफी कम हो रहा है और डिमांड पिकअप हो रही है जो कि मीट नहीं हो पा रही है। इस वजह से सप्लाई डिस्टर्ब के चलते प्राइजेस के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो पूरा कॉमोडिटी सेगमेंट जो है ये रशिया और यूक्रेन के अटैक के चलते काफी कॉमोडिटीज ऐसी हैं जिनके एक्सपोर्ट हैम्पर होते हुए दिखाई दिए हैं और इंपोर्ट के ऊपर भी असर हुआ है। तो अभी जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल कॉमोडिटी मार्केट के अंदर एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है और कॉटन में तेजी का रुझान है। बिनोला खल भी उसको लेकर सपोर्ट ले रहा है जो कि 3,250-3,350 तक एक्सपेक्टेड था, आज हमने देखा है कि 3,300 का भी स्तर देखने को मिल चुका है। तो बिनोला खल भी यहाँ से कॉटन की तेजी के साथ साथ तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि 3,320 से लेकर 3,350 तक अब ऊपर एक बार जा सकता है। जी रूपा जी, क्या बिनोला खल अब यहाँ पर सस्टेन हो पाएगा इस तेजी के ऊपर? देखिए अपना सवाल दोबारा दोहराइए रूपा जी, क्या बिनोला खल, ये जो आज बिनोला खल ने लेवल दिखलाई है 3,200-3,300 वाले, क्या बिनोला खल यहाँ पे सस्टेन होने में कामयाब हो पाएगा? अब देखिए अगर कॉटन में तेजी बनी रहती है तो उसका सपोर्ट जरूर आता हुआ दिखाई देगा और कॉर्न में भी हमने देखा है कि अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। तो फिलहाल सभी कमोडिटीज जो मार्केट जो है एक बार फिर से सपोर्ट ले रही है क्योंकि पहले ये खबरें निकल कर आ रही थी कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है इसमें कहीं ना कहीं कोई शांति का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन दोनों देशों की बातों से अब ऐसा लग रहा है कि फिलहाल कहीं से कोई भी ईजो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और लगातार जो है जान माल का नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की हम बात करें तो काफी चीजें ऐसी हैं जो हैम्पर होती हुई दिखाई दे रही है और उसके चलते एक बार फिर से बाजारों में वापस से सपोर्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर से कीमतें तेज हो रही है। तो इसके चलते हो सकता है कि मार्केट वापस से तेजी की तरफ बना रहे और बिनोला खल भी 3,350 से लेकर 3,400 का स्तर छू दे। जी ये सर रूपा जी, बात करें अगर अब एडिबल ऑयल पैक की तो एडिबल ऑयल्स में देख रहे हैं लगातार तेजी ही है। होली पैक के भी त्यौहार पर हमने देखा था कि खाद्य तेलों में बेतहाशा तेजी रही थी, 10-10, 15-15 रुपए तक खाद्य तेलों के दाम बढ़ चुके हैं रशिया यूक्रेन संकट के चलते। अब रमज़ान आ जाएगा, आगे फिर नवरात्रे हैं जिनमें तेल की जो खपत है ज़्यादा होती है और शादी ब्याह का सीज़न हम पहले से ही देख रहे हैं चल रहा है, तो ऐसे में क्या खाद्य तेलों में अभी बढ़त ही बनी रहने की उम्मीद है? मुझे एक्सपेक्टेड तो है कि अभी प्राइजेस जो है वो ऊपर जा सकते हैं। अभी कुछ एक दो दिन पहले हमने थोड़ा सा डिप आते हुए जरूर देखा था प्राइजेस के अंदर, लेकिन एक बार फिर से सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे जिस तरीके की अभी थोड़ा सा फेस्टिव का सीजन का माहौल है उसके चलते एक्सपेक्टेड है कि डिमांड पिकअप रह सकती है और एक कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। ओवरऑल भी देखा जाए तो फंडामेंटल भी काफी सपोर्टिव है मार्केट, फिलहाल करेक्शन की तो गुंजाइश बहुत कम है लेकिन तेजी बन सकती है। स्लोली हम कह सकते हैं कि ग्रेजुअली मार्केट इंक्रीज हो सकता है और अगर बहुत ज्यादा अगर अपसाइड नहीं आया तो गिरने के भी चांसेस काफी कम है। जी रूपा जी, खाद्य तेलों में सीपीओ और रिफाइंड सोया तेल में आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए रिफाइंड सोया ऑयल में भी तेजी बन सकती है यहाँ से और सीपीओ के अंदर भी प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी ये सर रूपा जी, बात करें अगर सोयाबीन की तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि विदेशों में सोयाबीन में बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। $1,700 के ऊपर US सोयाबीन वायदा ट्रेड करता नजर आ रहा है, पहले के मुकाबले सोयाबीन में जो तेजी है वो और ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है इसका असर अब घरेलू बाजार पर कब तक और कितना देखने को मिल सकता है? क्या घरेलू बाजार में भी इसकी कीमतें बढ़ने की उम्मीद है? क्योंकि हमने देखा था बीच में अभी किसानों ने फिर से सोयाबीन को स्टॉक कर लिया था अच्छी तेजी की उम्मीद में। देखिए अभी उम्मीद तेजी की है और घरेलू बाजारों में भी मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि विदेशी बाजारों में हम लगातार सपोर्ट आते हुए देख रहे हैं और उसी का असर हम डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर भी आता हुआ देख सकते हैं। और बिल्कुल जिन्होंने अभी स्टॉक किया है थोड़ा सा होल्ड किया जा सकता है क्योंकि अभी ये जो रूस और यूक्रेन के का जो मुद्दा चल रहा है इससे भी कीमतों को काफी सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी प्राइसेस के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 10-15% का जंप और आ सकता है। जी रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार डॉलर चने को लेकर आ रहा है, ये डॉलर चने के बारे में जानना चाह रहे हैं कि डॉलर चने में आगे तेजी मंदी क्या रहेगी? देखिए जो दालों की बात करें तो मुझे लगता है कि दालों के अंदर फिलहाल तेजी का रुझान बनता हुआ कम दिखाई दे रहा है। प्राइसेस के अंदर एक बार एक्सपेक्टेड है कि डाउनसाइड बना रह सकता है और दालों में फिलहाल तेजी का रुझान नहीं है और इन लेवल्स के ऊपर भी मुझे लगता है कि बाजार जो है थोड़ा करेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सर रूपा जी, बात करें अगर अब लहसुन और प्याज की
तो लहसुन प्याज में हम देख रहे हैं कि प्याज की जो आवकें हैं मंडियों में लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो मार्केट है वो डाउन जा रहा है। और अब आगे नवरात्रि भी आने वाले हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या प्याज का बाजार अब और मंदा होने वाला है? देखिए, लहसुन और प्याज अभी हो सकता है आपको आगे अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेकर 10 से 15 दिन यानी कि अप्रैल के प्राइसेस के ऊपर डिप देखने को मिलेगी। और अभी भी अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन अच्छा खासा है, अभी फिलहाल कीमतों के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। और नवरात्रि और रमजान के चलते आगे प्रेशर जो है वो इन दोनों कॉमोडिटीज के ऊपर यानी कि प्याज और लहसुन दोनों के ऊपर देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि ये वाला जो गर्मियों का सीजन है, गर्मी के अंदर लहसुन और प्याज की डिमांड जो है वो थोड़ा कम हो जाती है और यहाँ पर कीमतें जो है वो दबाव में बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, आपकी तरफ से कम्युनिटीज में क्या टॉपिक्स रहेंगे निवेशकों के लिए, व्यापारियों के लिए जो अच्छा मुनाफा कमा कर चल सकते हैं? देखिए, अगर आप थोड़ा सा होरिजन लंबा लेकर चलेंगे तो मेरे हिसाब से मसालों के अंदर बाइंग किया जा सकता है। मसाले काफी अच्छे लग रहे हैं, मसालों के साथ साथ मुझे लगता है कि ग्वार भी यहाँ से तेजी की तरफ जा सकता है। 12-12.5 हज़ार गम के अंदर प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कम्युनिटी बाजार में कहाँ कहाँ निवेश के मौके हैं और उन पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।